आज वीकेंड है यानी कि रविवार का दिन, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई वीकेंड नहीं होता। दिल्ली में बीजेपी आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली है और सीएम आवास के सामने बीजेपी के सांसद विधायक प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति को लेकर लगातार अटैकिंग मोड में है और बीजेपी का आरोप है कि नई शराब नीति की आड़ में करोड़ों का घोटाला हुआ है। बीजेपी लगातार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने पलटवार की रणनीति अपनाई है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। मनीष सिसोदिया ने पूर्व राज्यपाल अनिल बैजल को कटघरे में खड़ा किया, उनके फैसलों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की, तो बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज करते हुए आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज दिल्ली में सीएम आवास के बाहर बीजेपी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग पर आज फिर जोरदार प्रदर्शन करने वाली है। केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के ऑर्डर पहले ही दे दिए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना फुल एक्शन में है। उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए घोटाले के आरोप में आईएएस अधिकारी समेत 11 अफसरों को निलंबित कर दिया। आईएएस एजी कृष्णा सस्पेंड। एजी कृष्णा नई एक्साइज पॉलिसी के वक्त एक्साइज कमिश्नर थे। डीएएनआईसीएस अधिकारी आनंद कुमार तिवारी के निलंबन को मंजूरी दी गई। आनंद कुमार तिवारी डिप्टी कमिश्नर थे। एक्साइज विभाग के 9 और अधिकारी निलंबित कर दिए गए। अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। विजिलेंस विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद फैसला किया जाएगा। इधर उप राज्यपाल का एक्शन हो रहा था तो उधर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पूर्व डिप्टी गवर्नर अनिल बैजल को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सिसोदिया ने कहा कि अनिल बैजल के फैसले से सरकार को नुकसान हुआ जबकि कई दुकानदारों को फायदा पहुंचाया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि तत्कालीन एलजी ने अचानक आबकारी नीति बदली, पहले से मंजूर फैसले में बदलाव किया, बिना कैबिनेट को बताए तत्कालीन राज्यपाल ने बदलाव किए, नियम लागू होने से 2 दिन पहले पेच फंसा, एलजी के फैसले से दिल्ली को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचा। ये भी आरोप लगाया कि खास दुकानदारों को इससे फायदा पहुंचा। वहीं मनीष सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी ने सरकार को हुए नुकसान की भरपाई आम आदमी पार्टी से करने की मांग की। नई एक्साइज पॉलिसी जो सरकार ने बनाई थी उससे सरकार को बहुत फायदा होने वाला था, लेकिन उसके उलट सरकार को के राजस्व को नुकसान पहुंचा, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा, क्योंकि एलजी साहब ने अपना निर्णय बदला, बिना कैबिनेट से डिस्कस किए बदला, बिना सरकार से पूछे बदला, और उन्होंने बदल के उसको लागू करने के लिए ऑर्डर किए, जिसकी वजह से दुकानें नहीं खुल पाई और लगातार नुकसान हुआ। 48 घंटे पहले यह फैसला क्यों बदला गया, इनसे किन किन दुकानदारों को ज्यादा फायदा हुआ और एलजी साहब ने यह निर्णय खुद लिया या किसी के दबाव में लिया, और इसके बदले किस किस को कितना फायदा पहुंचा, इन सारे प्रश्नों की जांच होना बहुत जरूरी है। मैंने सीबीआई को लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस पर निष्पक्षता से जांच करेगी। सिसोदिया जी का कहना है कि एलजी साहब ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये तो साधारण विषय नहीं है। किसी के कहने पर एलजी साहब ने ये एमसीडी और डीडीए का एनओसी चाहिए नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, ये क्लॉज उन्होंने ऐड किया। सिसोदिया जी, प्रश्न उठता है अगर इतना बड़ा घोटाला था कि आज सीबीआई की जांच की इसमें दरकार पड़ रही है, आवश्यकता है, नवंबर के महीने में 2021 नवंबर के महीने में यह पूरी कार्यवाही एलजी ने की थी और आज अगस्त का महीना है 2022, इतने महीनों तक आपको कुछ सूझा नहीं? कारण एक ही है, मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा
अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए, तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल पर अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बड़े बड़े दोस्तों को, जो बड़े बड़े पूंजीपति व्यापारियों को दिल्ली में लेके आए थे, उनको ये लाभ पहुंचाया, उनको करोड़ों रुपया माफ कर दिया गया। एक रणनीति के तहत पहले कोर्ट में केस डलवाया गया और फिर दिल्ली सरकार ने अपना स्टैंड कोर्ट में जाकर ये बदल दिया, हाँ जी इनको नुकसान हो रहा है, इनको पैसे माफ कर दिए जाएं। आज जब दिल्ली के लोगों के सामने ये सच आया और सीबीआई में केस मुकदमा दर्ज हो गया और ये पता चल गया, रोज झूठ बोलते थे, हमें 9000 करोड़ आमदन हुई, हमें 9000 करोड़ आमदन हुई, दिल्ली के लोगों ये रोज आपसे झूठ बोलते थे, और आज जब केस हो गया तो सच सामने आया, 9000 करोड़ रुपया नहीं, केवल 3500 करोड़ रुपया आमदन हुई और बाकी सारा पैसा पूंजीपतियों को अरविंद केजरीवाल ने लुटाया है, ये घपला छोटा नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए नवंबर में नई शराब नीति 2021-22 लागू की। न्यू पॉलिसी के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। 32 जोन में बांटकर लाइसेंस जारी किए गए। छत, गैलरी, बाहरी स्पेस में शराब परोसने की छूट दी गई। पुरानी नीति में खुले में शराब परोसने पर रोक थी। शराब की दुकानों के बाहर स्नैक्स की दुकानों पर रोक थी। सरकार शराब की दुकानों की मालिक नहीं हो सकती। बीजेपी का आरोप है कि नई शराब नीति की आड़ में केजरीवाल सरकार ने अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाया। इससे सरकार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। आज दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी का विरोध संग्राम होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।